फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगी जो कि हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम मेरे किसान भाई बहुत बड़े स्केल पे जो धान की फसल उगाते हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही कारगर होगी। इसमें करना क्या है, अगर हमारे यहाँ पत्ती पीली हो जाती है, इस तरह से अगर पीली पत्ती हो जाती है, फसल पीली हो जाती है, तो उसकी उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह से ये सब होता है और पत्तों पे ये काला काला बूर आना शुरू हो जाता है। इन सब के उपचार के लिए मैं आपको एक बहुत ही सस्ती चीज़ बताऊंगी जो मेरे किसान भाई अगर वो धान की फसल उगाते हैं तो वो भी इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। ओनली बहुत ही सस्ते में ये कैल्शियम और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी को ख़त्म करेगा और हमारे यहाँ पत्तों पे शाइनिंग आनी शुरू हो जाएगी। जैसे अब ये पत्ती बिल्कुल पीली हो चुकी हैं, जो पत्तियां पीली हो चुकी हैं उन पीली पत्तियों को ख़त्म करेगा। उसके लिए मैं आपको एक बिल्कुल घरेलू और सस्ता तरीका बता रही हूँ। ये चूना है, लाइम, बुझा हुआ चूना, जिसको हम अगर हम प्लांट्स में डालते हैं, धान की फसल में डालते हैं, तो जो हमारी फसल पीली हो जाती है, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, उनको ख़त्म करता है। ये हमारा एक 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 किले में, जिसमें 5,340 स्क्वायर फुट में एक 40 किलो के करीब अगर हम इसको डालते हैं तो ये मैग्नीशियम और कैल्शियम की डेफिशिएंसी को ख़त्म करता है। और अगर हम अपने पोट में डालते हैं तो आप एक चम्मच के हिसाब से अपने हर पोट में डालें तो आप देखेंगे कि आपके यहाँ पत्तियाँ जो पीली पड़ चुकी हैं, मुड़ चुकी हैं, जो पत्तियों में किसी चीज़ की भी कोई कमी है तो वो ये चीज़ कमी को ख़त्म कर देता है। मैं आपको करके दिखाती हूँ कि कैसे हमने इसको यूज़ करना है। ये आप देख रहे हैं, येलो लीव्स होने शुरू हो जाती हैं हमारे यहाँ प्लांट्स की, किसी भी प्लांट्स की है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। एक हमारे यहाँ पत्तियाँ मुड़ जाती हैं और हमारे प्लांट्स को फंगस लग जाता है, दीमक लग जाता है, तो इस वजह से हमारा प्लांट्स ख़त्म हो जाता है। अब ये इस टाइम बिल्कुल बड़ से भरा हुआ है ये प्लांट, पर जब ये हमारे यहाँ दीमक लगती है या फंगस लगती है तो ये प्लांट बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। तो हमें पता ही नहीं लगता कि क्या कमी रह गई इसमें। तो इसके लिए सबसे बेस्ट और सस्ता तरीका है कि आप ये लाइम, चूना, कैल्शियम का यूज़ करें और मैग्नीशियम और कैल्शियम की डेफिशिएंसी को ख़त्म करें और हमारे ये पत्ते जो पीले पड़ते हैं, मुड़ते हैं, फंगस लगती है और दीमक लगती है, वो सभी का एक ही उपाय है कि आप इसको या तो आप इसको पानी में घोल दें अच्छी तरह से। अगर आप पानी में घोलते हैं तो ये, और एक तरीका आप ये है कि आप एक एक चम्मच के हिसाब से आप सभी प्लांट्स में डाल दें और ऊपर से आप जैसे आम पानी देते हैं हम वैसे पानी दे देंगे तो देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद इसमें जो फंगस की शिकायत है और दीमक की शिकायत है और पत्तियों का मुड़ना है, जो भी कमियां मैंने अभी बताई हैं, वो सभी कमियों को ये दूर करेगा। ऐसे करके आप पानी, बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा दूधिया कलर हो गया इसका, आप देखेंगे ऐसे दूधिया कलर हो गया, और ये सभी आप अपने प्लांट्स में दें। और एक बात मैं यहाँ पे और भी बताऊंगी, अगर हम मेरी माताएं बहनें जो बच्चों को कैल्शियम देती हैं, प्लांट्स की भी यही वजह है कि हम अगर इनको कैल्शियम ज़्यादा दे देते हैं तो इनमें जो दाना है वो मोटा हो जाएगा। यही वजह है कि हम अपने बच्चों को अगर कैल्शियम देते हैं, माताएं बहनें अगर कैल्शियम लेती हैं तो वो बहुत ही कम तादाद में कैल्शियम लें। नहीं तो आजकल जो बच्चों में मोटापे की शिकायत है, लेडीज़ में मोटापे की शिकायत है, वो ज़्यादा कैल्शियम लेने की वजह से भी है। ये एक एक्सपेरिमेंट ही किया है। तो जो मेरे भाई बहन धान की फसल उगाते हैं वो भी एक किले में तकरीबन एक मन
40 किलो प्लांट्स को दें, इससे ज़्यादा कैल्शियम ना दें। तो अगर ज़्यादा देते हैं तो धान की फसल में दाना जरूर मोटा हो जाएगा, मोटा हो। आप ये कैल्शियम की मात्रा है जो ये आप 15 दिन में एक बार दे दें, 1 चम्मच के हिसाब से। अगर आप पोट बनाते हैं, मेरे नए जो बिगनर हैं अगर वो पोट बनाते हैं तो उसमें 1 चम्मच वो कैल्शियम ये चूना वो मिट्टी में ही मिक्स कर लें, तो आप देखेंगे कि आपके यहाँ फंगस की शिकायत और दीमक की शिकायत तो बहुत कम हो जाएगी। और इस तरह से आप पानी को अपने प्लांट्स में दें तो फ्लावरिंग भी आपकी बहुत ज़्यादा होगी और फ्रूटिंग भी बहुत ज़्यादा होगी। फ्रेंड्स, आप ये जो चूना है लाइम, इसको आप भिगो दें, कम से कम आप 24 आवर्स के लिए भिगो कर आप ऐसा पानी तैयार कर लें इसका। ऊपर ऊपर से आप देखेंगे थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है इसका, ऐसा पानी। अगर आपके यहाँ फार्म है, फार्म हाउस है जिसमें आप दूध वाले पशु रखते हैं, दूध वाले एनिमल्स हैं आपके यहाँ, तो उनको आप इतनी क्वांटिटी में अगर आप पानी पिलाते हैं तो आप देखेंगे उनकी दूध की बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो इसके लिए एक ये उपाय भी सबसे बेस्ट है, आप अपने एनिमल्स को दें तो आप देखेंगे उनके दूध में बढ़ोतरी हुई है और उनकी लीवर सिस्टम भी उनका बहुत अच्छा हुआ है। ये ऐसी चीज़ है। मेरी वीडियो का आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक्स।